Namaste everyone. Welcome to Study with Maths Baba. 11th class, we are starting with a new chapter today called Conic Sections. और Conic Sections के अंदर आज हम पहला पार्ट करने वाले हैं पैराबोला. So lecture से पहले I am going to tell you few things, which is जो हम अभी lectures बना रहे हैं, that will be of parabola, that will be of ellipse, that will be of hyperbola, जो conic section के अंदर आते हैं, हम उसका अभी सिर्फ और सिर्फ basic पार्ट करने वाले हैं, complete NCERT का पार्ट करने वाले हैं. Once we are through with this, then we'll move to the GE mains का part. तो हम एकदम नहीं start करेंगे कि हम अभी ही NCERT के साथ ही इसको mains पे ले जाएं, because दोनों में काफी फर्क है. पहले पूरा का पूरा basic समझेंगे, उसके बाद हम mains level और advanced level पे जाएंगे. Clear? So करते हैं start. जय माता दी. What is a parabola basically? Parabola की standard definition क्या कहती है? Set of. अब इसको ध्यान से समझना. सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट. तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आने वाली है, तो इसको ध्यान से देखना, उसके बाद लिखना, समझना इस चीज को. मैंने कहा भैया सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एक पैराबोला बनाते हैं, जो क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स लाइन. एक फिक्स लाइन होती है, ये फिक्स लाइन है. इस फिक्स लाइन को हम बुलाते हैं डायरेक्ट्रिक्स. अब इसका नाम याद रखना, एक फिक्स पॉइंट है. इस फिक्स पॉइंट को हम बुलाते हैं फोकस. तो भैया अब सपोजिटली यहां पे कोई पॉइंट है, कहता सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स जिसका ये डिस्टेंस लाइन से डिस्टेंस, अब लाइन से तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही होगा, और ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए. मतलब यहां कोई पॉइंट है जिसका ये डिस्टेंस पॉइंट से और ये डिस्टेंस लाइन से क्या है, इक्वल. कोई यहां पॉइंट है जिसका ये पॉइंट से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस क्या है, इक्वल. तो ऐसा जो हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स आता है, उसको हम इंग्लिश में क्या बुलाते हैं, पैराबोला बुलाते हैं. तो वो शक्ल ऐसी में चला जाता है, ऊपर भी एक्सपैंड करेगा, नीचे भी एक्सपैंड करेगा, कि यहां पे कोई भी पॉइंट होगा, वो डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से उसका हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा. फिक्स्ड पॉइंट को हम फोकस बुलाते हैं, फिक्स्ड लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स बुलाते हैं. ठीक है, अब ध्यान से देखना, हम यहां पे जो करते हैं पैराबोला, आई होप सबको क्लियर हुआ. अब हम जो पढ़ते हैं, दैट इज बेसिक फॉर्म ऑफ पैराबोला, वेयर वर्टेक्स लाइज ऑन द ओरिजिन. मतलब क्या है, और हमारे एक्सेस होंगे एक्स और वाई एक्सेस. जो हम पैराबोला पढ़ेंगे वो हम बेसिक फॉर्म पढ़ेंगे, जो कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा. ये हमारा, इसको हम बुलाते हैं वर्टेक्स. यहां पे कहीं है हमारा फोकस, जिसको हम एफ लिखते हैं. तो भैया अगर मैं इसको ए कॉमा जीरो ले लू, ध्यान से देखना सारी टर्मिनोलॉजी, मतलब ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, ए. तो भैया जितना डिस्टेंस पॉइंट का होगा फोकस से, फिक्स्ड पॉइंट से, उतना ही डिस्टेंस किससे होगा, लाइन से होगा. तो ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगा. मतलब अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, ए ही होगा अकॉर्डिंग टू द रूल. अगर ये डिस्टेंस ए है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, हाँ जी, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू जीरो, ये इसके पैरेलल होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू माइनस a. क्लियर इतनी बात ना. एक पॉइंट है यहां पे पप्पू, x कॉमा y. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन,
पीएफ का डिस्टेंस, जो पीएफ का डिस्टेंस है, ये जो पीएफ का डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस बनेगा, यहां थोड़ी सी शक्ल ऐसी हो गई है बट प्लीज डोंट माइंड, पीएम लिख देते हैं इसको। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, क्योंकि पैराबोला क्या होता है? सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द फोकस एज वेल एज फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन। सो ये तो बड़े मजे से निकल आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम। ये x कॉमा वाई है बेटा, m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अब वो देखते हैं। m इस लाइन पे लाई करेगा तो x तो उसका क्या होगा? माइनस ए कॉमा, देखो यहां से ये x कॉमा वाई था, यहां से ये स्ट्रेट लाइन गई है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y ही होगा, सीधा परपेंडिकुलर बनाया तो यहां पे y है तो ये भी y ही हो। सो ये आ जाएगा x प्लस ए का स्क्वायर y माइनस वाई का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला। स्क्वायरिंग वी गेट x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस ए स्क्वायर, ये जीरो का x square plus a square minus 2ax plus y square is equal to x square plus a square plus 2ax, x square a square x square a square जय माता दी, y square किसके इक्वल आ गया? 4ax। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो जिसका वर्टेक्स इज ओरिजिन, लाइज ऑन राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस, राइट साइड पे एक्सिस क्या, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ये सिमेट्रिक बनेगा, जितना ऊपर मुंह खुलेगा वैसे ये नीचे की तरफ होगा, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, क्लियर, ये इसकी पहचान होती है। अब ऐसे हमारे पास और जिसका डायरेक्ट्रिक्स फोकस इज ए कॉमा जीरो, डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। सो इसको बहुत ध्यान से नोट करेंगे, ऐसे हमारे पास कितने पैराबोलास बनते हैं बेसिक फॉर्म में? चार पैराबोलास बनते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम, अभी फटाफट से करिए इसको नोट, जय माता दी। बेसिक फॉर्म डायरेक्ट्रिक्स पैराबोला हमारा क्या होता है भैया? सेट ऑफ ऑल द पॉइंट, वो सारे पॉइंट जो बेसिकली हम जिसको लोकस कहते हैं, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट जिनका डिस्टेंस एक फिक्स लाइन और एक फिक्स पॉइंट से हमेशा क्या होगा? इक्वल। तो अभी इस पैराबोला में एक और चीज आती है, उसको हम बुलाते हैं लेटेस्ट वेक्टर। व्हाट डू वी कॉल लेटेस्ट वेक्टर? सो व्हाट इज लेटेस्ट वेक्टर? लाइन फ्रॉम फोकस perpendicular to axis ending on the parabola, ये मेरा focus था, ये directrix था, इक्वेशन थी इसकी y square is equal to 4ax। हमने कहा लेटेस्ट वेक्टर क्या होता है भैया? लेटेस्ट वेक्टर होता है लाइन फ्रॉम फोकस परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंडिंग ऑन द पैराबोला। अब इसको नाम दे दिया P, दे देते हैं इसको Q, दे देते हैं।
सो PQ की लेंथ क्या होगी, ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है, ध्यान से देखेंगे बेटा। ये 90 है, ये भी 90 है। अब अगर आप इसको ड्रॉ करो, ये भी 90 आएगा। यहां से आपने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया तो ये भी क्यों आएगा 90। ये आर ले लेते हैं, यस ले लेते हैं। ये ए है, ये ए है, तो ये पूरा कितना हो गया 2a। ये भी कितना हो गया 2a। भैया ये 90 बन रहा है तो एक रेक्टेंगल तो ये बन ही रहा था, ये 2a डिस्टेंस है तो ये भी 2a होगा। भैया PR और PF ने तो इक्वल होना है, अभी अभी पैराबोला की डेफिनेशन पढ़ी, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा 2a। ये 2a होगा तो पैराबोला तो सिमेट्रिकल है, तो नीचे वाला डिस्टेंस भी कितना होगा 2a। सो PQ की लेंथ हमारे पास आ जाएगी 4a। सो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, बस याद रखना है आप लोगों ने, क्या होती है हमेशा 4a। क्या होती है लेटेस्ट रेक्टम, बेसिकली एक लाइन परपेंडिकुलर से पास, फोकस से पास कर रही है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस है, जो एंड करती है किस पे, पैराबोला में। अब चार टाइप के पैराबोला हमारे कौन कौन से हुए, ये तो था हमारा सबसे पहले राइट साइड पैराबोला। ऐसे ही अपवर्ड्स पैराबोला आएगा। अपवर्ड्स पैराबोला कहता उसका मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, ये जा रहा है, उसका फोकस यहां लाए करेगा, दैट विल बी 0, उसका डायरेक्ट्रिक्स विल बी दिस, y इज इक्वल टू माइनस है। तो इक्वेशन ये हो जाएगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये x स्क्वायर के हिसाब से सिमेट्री बनाएगा, जैसे हमने वहां y स्क्वायर लिखा था, यहां x स्क्वायर आ जाएगा। इसका डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू माइनस है, फोकस 0, a। सिमेट्रिक पॉजिटिव y एक्सिस, लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम वही रहेगा क्योंकि उसमें x और y का कोई लेना देना नहीं है, 4 है। लेफ्ट साइड पर लेफ्ट साइड पैराबोला का मुंह एक्स एक्सिस के उस तरफ खुलता है, तो इसका फोकस लाई करता है यहां पे माइनस ए कॉमा जीरो। इसकी इक्वेशन, इसका डायरेक्ट्रिक्स ये होगा y इज इक्वल टू ए। तो इक्वेशन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a। डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी x इज इक्वल टू a, फोकस माइनस a कॉमा जीरो, सिमेट्रिक नेगेटिव x एक्सिस, लेटेस्ट वेक्टर 4। लास्ट डाउनवर्ड्स पैराबोला, ये पैराबोला था, यहां कहीं फोकस लाई करता है तो ये 0, a आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स ऊपर चला गया यहां पर, दिस विल बी y इज इक्वल टू a। तो इसकी इक्वेशन इज x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू a, फोकस 0, a,
नेगेटिव वाई एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4 है। तो हम ये चार पैराबोला पढ़ने वाले हैं, राइट साइड पैराबोला, अपवर्ड्स पैराबोला, डाउनवर्ड्स पैराबोला, लेफ्ट साइड पैराबोला, जिनकी हमारे पास ये इक्वेशंस, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, सिमेट्री और लेटेस्ट रेक्टम होता है। दिस वी हैव टू रिमेंबर बाय हार्ट, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं। क्लियर, लिखिए इसको फटाफट से। जय माता। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन विल बी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये हमने सारे पैराबोलास किए, सारी इक्वेशंस की, जिसमें वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई करता है। सो हमारे स्कूल के पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे। मेंस और एडवांस में फोकस विल नॉट लाई ऑन ओरिजिन, इट कैन लाई एनीवेयर। तो उसके लिए हम अलग कंसेप्ट पढ़ेंगे बाद में, पहले हम अपना बेसिक्स को क्लियर करेंगे। Find coordinates of focus, axis of parabola, equation of directrix, and length of latest. हमें ये चार चीजें निकालनी है। यहां दिया हुआ है x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, यहां दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू -16x, x स्क्वायर इज इक्वल टू -3y, y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। तो देखो हमारे पास चार पैराबोला हमने पढ़े, बस इट इज वेरी सिंपल कंसेप्ट टू डू। अगर आपको चारों पैराबोला के बारे में याद है तो आप मजे से कर दोगे। ये x square is equal to 8y है, तो ये किसको, किसके साथ मैच कर रहा है? 4ay के साथ मैच कर रहा है। तो भैया कंपेयर करोगे, 4a किसके इक्वल आ जाएगा 8 के, a आ जाएगा 2। ये x square is equal to 8y है, मतलब ये कौन सा पैराबोला हुआ? सबसे पहला राइट साइड पैराबोला हुआ। कौन सा पैराबोला हुआ? राइट साइड पैराबोला। अब राइट साइड पैराबोला जो था, फोकस ए कॉमा जीरो, डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी अब हमने क्या सही किया है, ये होता था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये y स्क्वायर था, x स्क्वायर नहीं था। तो हमारा ये गलत हो जाएगा यहां पे, हमने ये राइट साइड पैराबोला नहीं है। अब हम चेक करेंगे कौन सा पैराबोला है। अपवर्ड्स पैराबोला, फोकस 0, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू माइनस है, ये है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। लेफ्ट साइड फोकस माइनस ए कॉमा जीरो, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू a, ये है y स्क्वायर इज माइनस 4ax। लास्ट डाउनवर्ड्स फोकस 0 कॉमा माइनस है, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू a, x स्क्वायर इज माइनस 4ay। तो भैया अब ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? अपवर्ड्स पैराबोला को। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के साथ कंपेयर किया, ये आया a। फोकस क्या हो गया? 0 कॉमा a, तो 0.2। एक्सिस ऑफ पैराबोला,
कौन से हुए? पॉजिटिव वाई एक्सिस. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हुई? y इज इक्वल टू माइनस है, तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू माइनस टू. लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4a, तो क्या हुई? 4 इंटू टू 8 यूनिट्स. एंड योर क्वेश्चन इज क्लियर. ठीक वैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16x. y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, तो मतलब कौन सा पैराबोला है? लेफ्ट साइड पैराबोला है. इसको कंपेयर किया, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax. सो माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 16, a आ गया 4. फोकस क्या होगा? माइनस a कॉमा 0, माइनस 4 कॉमा 0, नेगेटिव x एक्सिस, एक्सिस हुआ. डायरेक्ट्रिक्स क्या हुआ? x इज इक्वल टू a, तो मतलब x इज इक्वल टू 4. लेटेस्ट रेक्टम 4a, 4 इंटू 4 16 यूनिट्स. क्लियर इतनी बात? x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3y. कौन सा हुआ? ये वाला हुआ, डाउनवर्ड्स पैराबोला. x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, तो माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस 3, a आ गया 3/4. फोकस क्या होगा? 0 कॉमा माइनस है, मतलब 0 कॉमा माइनस 3/4, नेगेटिव y एक्सिस. डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू a, तो मतलब y इज इक्वल टू 3/4. लेटेस्ट रेक्टम 4a, 4 इंटू 3/4 3 यूनिट्स. y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x. सबसे पहला वाला पैराबोला, राइट साइड पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, 4a इज इक्वल टू 10, a आ गया 5/2. फोकस a कॉमा 0, मतलब 5/2 कॉमा 0, पॉजिटिव x एक्सिस. डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस है, x इज इक्वल टू माइनस 5/2. लेटेस्ट रेक्टम 4a, 4 इंटू 5/2 10 यूनिट्स. सो बेसिक फॉर्म जो हमें क्वेश्चन में आती है वो ये आती है, जिसको हम सॉल्व करते हैं एंड वी गेट दी सॉल्यूशन. इजी है, सिर्फ आपको याद रखना है कि ये चार हमारे पास टाइप्स हैं, चारों की इक्वेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस क्या होते हैं, एंड वी राइट देम डाउन. दैट इज इट. क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन आया, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फोकस 6,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस 6. तो सिंपल सी बात है, हमें फोकस से ही पता लग जाता है कि क्या होने वाला है. फोकस 6,0 मतलब a कॉमा 0 की फॉर्म है. तो भैया पैराबोला कौन सा होगा? ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, a यहां पे है 6, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 6 इंटू x, y स्क्वायर इज 24x. खत्म क्वेश्चन. अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाता फोकस 0 कॉमा माइनस 2 एंड वर्टेक्स लिख देते साथ में, वर्टेक्स तो हमेशा ही 0,0, फोकस 0,-2 है. तो अच्छा जी, 0,-2 है, 0,-2 का मतलब क्या हुआ? फोकस कौन सा है? लास्ट वाला पैराबोला का. तो हमारी इक्वेशन यहाँ पे a है, हमारे पास a क्या आया यहाँ पे 2r, a इज नेवर नेगेटिव यहाँ, तो क्योंकि फोकस होगा 0,-, a हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है. a इज 2, फोकस इज 0,-. ठीक है ना? तो हमारा इक्वेशन क्या हुआ यहां से?
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू टू ही रहेगी बेटा, बच्चे क्या करते हैं ना माइनस टू लिख लेते हैं, नहीं फिर तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एट वाई, और ये मेरा क्या है पैराबोला की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एट वाई। अब अगर क्वेश्चन आता फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पासिंग थ्रू टू कॉमा थ्री एंड सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सिर्फ वाई एक्सिस लिखा, कहते एक पैराबोला है टू कॉमा थ्री से पास कर रहा है, सिमेट्रिक अबाउट है वाई एक्सिस, भैया वाई एक्सिस के अराउंड तो ये भी सिमेट्रिक है और ये भी सिमेट्रिक है, ये सुन ये भी सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के अराउंड, ये भी सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के अराउंड, तो कौन सा पैराबोला होगा भैया, सिंपल इनफ हम देखते हैं कौन सा पॉइंट है। अब पॉइंट दिया हुआ है टू कॉमा थ्री, टू कॉमा थ्री मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला जो पैराबोला है ये कौन से दो क्वाड्रेंट से पास कर रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये वाला पैराबोला कौन से क्वाड्रेंट से पास कर रहा है, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये टू कॉमा थ्री पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर पैराबोला इज ऑफ टाइप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए, पैराबोला दोनों में से कोई भी हो सकता था बट क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट से पॉइंट लाई कर रहा है उसमें लाई करता है तो पैराबोला कौन सा होगा, अपवर्ड्स पैराबोला होगा। अब अगर ये इक्वेशन है हमारे पास तो भैया 2.3 कॉमा थ्री इस पैराबोला पे लाई करता है तो दिस इंप्लाइज 2 का स्क्वायर ये इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, 4 इज इक्वल टू 4 ए इंटू थ्री, ए आ गया 1 बाय थ्री, तो उसको सिंपली पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 बाय थ्री इंटू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाय थ्री वाई या 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वाई, ये है मेरी किसकी इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन जो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है एंड कहां से पास करेगा 2 कॉमा 3 से। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास तो हमने सिर्फ ये देखना है कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि भैया कौन सा हमारा पैराबोला होगा। बट टिल द टाइम यू डू नॉट नो द फोर टाइप्स ऑफ पैराबोलास, फोर टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ पैराबोलास, फोकस उनके क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्लियर। पैराबोला बस इतना सा ही है एनसीईआरटी के अंदर, इसके साथ इसके स्टेटमेंट सम्स हैं जो हमारी एप्लीकेशंस कहते हैं जिनको हम उनको हम डिस्कस करेंगे लास्ट में सबके साथ, व्हेन वी विल डू पैराबोला एज वेल एज एलिप्स एज वेल एज हाइपरबोला, जब सब कुछ कर लेंगे तब हम लास्ट में एक लेक्चर में सारे स्टेटमेंट सम्स करेंगे। सो दिस इज व्हाट इज बेसिक पैराबोला ऑल अबाउट, प्लीज डू इट, कंप्लीट योर एनसीईआरटीज, एनी डाउट्स ब्रिंग बैक एंड वी विल मीट यू सून विद अ न्यू वीडियो ऑफ एलिप्स। Till then, Jai Mata Di. Enjoy.